उसने बहुत तंग किया मुझको, आज उसको पकड़ लीजिए सर। हाँ फिक्र मत की मेरे। किधर है वो गुंडा? ये क्या है? बिना लाइसेंस के दारू बेचता है साहब। ये दारू वालों ने पानी है। शट अप। ये वो दारू है जिसको पीकर सूरत में 15, आंध्र प्रदेश में 20 और उत्तर प्रदेश में 25 आदमी मर गए। ऐसे कैसे साहब? अरे लगाओ हथकड़ी साले को। अरे क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी पकड़ना है, दारू वाले को पकड़ने चला है, बड़े वाले गुंडे को पकड़ो ना। तो ये वो नहीं है? हे किधर है बड़ा गुंडा, बुलाओ उसको, बुलाओ। देखा आपने कैसे हिल गया? राजा भैया बाहर पुलिस आई है। बाहर आओ ढाबे वाले। चलो चलते। राजा भैया पहले दाढ़ी तो बना लियो। पहले इनकी हजामत कर दूं, बाद में अपनी दाढ़ी बनाता हूँ। आओ। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या चक्कर है? ये वो ढाबे वाला। अच्छा, शेविंग क्रीम लगा के आया है ताकि चुपके से निकल सके। चुपके से कौन निकलेगा, ये तो क्रीम निकलने के बाद ही पता लगे। शट अप। इस शहर में मेरा ये पहला केस है, आखिरी भी हो सकता। अरे चुप, देखता हूँ तुम कितने बड़े गुंडे हो। हवलदार गिरफ्तार कर लो इसको। अरेस्ट हिम। एक मिनट, गिरफ्तार करने से पहले क्रीम तो निकाल ले दो। हाँ निकाल लो। रुमाले आपके पास? रुमाले आपके पास? रुमाल भी मेरे लेंगे, अपना निकालो ना। पहली बार किसी को अपना रुमाल देना पड़ रहा है। रुमाल ला पकड़। ये शेविंग क्रीम लगा के मुझे उल्लू बना रहा है। अरे मैंने बड़े बड़ों को पकड़ा है साहब। ये चीज क्या है? सही बोल रहे हैं। झूठ बोलेंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अबे तू भाग। अरे इसे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे में क्या है जिसको देखकर वो तूफान मेल की तरह भाग गया? ये अंदर की बात है सेठ, जिस दिन आपको ये राज मालूम पड़ेगा ना, आप भी इसी तरह दुम दबा कर भाग जाओगे। मेरा नाम के सिंघानिया है बच्चे। मेरे सामने बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं टिक सके तो तू कौन से खेत का बैंगन? बैंगन नहीं मूली, मिसाल टिक से दिया करो। हाँ वही मूली सेठ, ऐसी मूली हूँ ना मैं, खाओगे तो नाक मुंह का नाक और यहाँ वहाँ सब जगह से पानी पानी निकलेगा। मैं मूली खाता ही नहीं हूँ, समझ गया? डैडी। हाँ डैडी, ये है राहुल, मेरे लाइफ पार्टनर और आपकी वुड बी सन इन लॉ। तो आप हैं जिसने मेरी बेटी को बस में कर रखा है? इन्होंने मुझे अपने बस में नहीं किया, मैंने इनको अपने बस में किया है। अरे सब कुछ तू ही बोलती रहेगी या इन्हें भी कुछ बोलने देगी? राहुल बहुत ही शर्मीला लड़का है माँ। अच्छा आइए शर्मिले साहब बैठिए। थैंक यू। और प्रखुरदार करते क्या हो? केमिकल प्लांट लगाना चाहता। केमिकल प्लांट? जी हाँ। तजुर्बा है उसका? बिजनेस मैनेजमेंट किया है मैंने सर। अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट किया है। मैनेजमेंट यानी कि मेरी नौकरी खतरे में? आपने नया मैनेजर रख लिया क्या? शट अप इडियट, कुछ भी बोलते थे सॉरी। सेठ जी ये तो घर में भी काला चश्मा पहने हुए हैं, देखिए कहीं अंधा खाना तो नहीं, फिजिकल हैंडीकैप तो नहीं है? माँ चेक 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 इरा चेक। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा है। ये लीजिए, निकाल दिया काला चश्मा। देखो राहुल तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। राहुल तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, यहाँ तक कि अपना घर बार तक छोड़ दिया। राहुल अब तुझमें रखा ही क्या है? तेरे बाप ने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है और जो तू पैसे साथ में लाई थी वो तो खत्म हो गए। राहुल मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ, तुझसे पहले भी बहुत लड़की आई है, माँ बनकर बच्चे को लेकर चली गई। अगर मैं हर बच्चे को अपना नाम दे दूं तो मुझे तो अनाथ आश्रम खोलना पड़ेगा, समझ गई? राहुल राहुल तुम अगर मुझे छोड़ के चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। राहुल तो प्रॉब्लम क्या है, मर जाओ, कर लो आत्महत्या। क्या कई लड़कियों ने यही रास्ता अपनाया है? इसका मतलब भोली भाली लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना कि तुम्हारा पेशा है राहुल? जी हाँ समझ गई आप, यही है मेरा पेशा। अरे डैडी कहाँ खो गए आप? राहुल को पहली दफे जो भी देखता है यूं ही खो जाता है, और जो दूसरी बार देखता है वो? आपने इससे पहले कहीं देखा है इसको? इसकी आंख में लपड़े का बाल दिख रहा है मुझे। शट अप फूल। बेटी इनके लिए खाना लगवा दो। जी नहीं आंटी, आज मंगलवार है ना, मंगल और शनि को मैं उपवास रखता हूँ। ओह
बड़े धार्मिक हो हैं? जी अंकल, किरण मुझे खींच लाई, वरना मैं पूजा किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलता, चाहे करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो जाए। अच्छा अंकल नमस्ते। अच्छा नमस्ते भाई। जी 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 जी, मैं आपके लिए ऑटो मंगाऊं? जी नहीं, मेरे पास गाड़ी है। आपकी अपनी है? जी हाँ। वेरी गुड, मुझे होटल तक ले देंगे प्लीज? आइए। शुक्रिया। लड़का कैसा लगा आपको? एक नंबर का आवारा, बदमाश और बच्चलन किस्म का लड़का है। ये क्यों कह रहे हैं अब्दारी? अमीर लड़कियों को फांसना, उनको शादी के सपने दिखाना, बाद में उनकी इज्जत और दौलत को लूटना, ये उसका पुराना पेशा है। राहुल पर इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। उस बेबस लड़की का गिड़गिड़ाना जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और बाद में जिसने आत्महत्या कर ली। मैं नहीं मानती, क्या सबूत है आपके पास? मैं तेरा बाप हूँ, अब मुझे सबूत देना होगा तुझे। समझ गई, समाज और सोसाइटी में अपना स्टेटस ऊंचा रखने के लिए आप मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराना चाहते हैं? तुझे मेरे दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी है, मत कर। तू रास्ते से किसी भिखारी को पकड़ ला, मेरे किसी दुश्मन को पकड़ ला, उसके साथ मैं तेरी शादी करा दूंगा, मगर इस मकार के साथ कभी नहीं, नेवर। और अगर आपने फिर भी इनकार कर दिया तो फिर जो तेरी मर्जी में है वो करना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। फैमिली रूम बना रहे हैं। फैमिली रूम? वो काय के लिए? अरे शादी करके बीवी लाएंगे तो आपके होटल में रखेंगे क्या? अबे मैं तेरा ढाबा गिराने के चक्कर में तू फैमिली रूम बना रहा है? अरे आप किस चक्कर में, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? सेठ जी आप समझते नहीं है, आपकी हमारी ताजी ताजी दुश्मनी हुई है। अभी दुश्मनी बरकरार रखने के लिए बच्चे तो होना चाहिए ना। आज आपके हमारे बीच में, कल बच्चों के बीच मारामारी होगी, फिर उनके बच्चों के बच्चों के बीच मारामारी होगी, अभी सब चलता रहेगा। आप नहीं समझेंगे, आप बच्चे हैं। बेटा तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैंने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर को फोन करके तेरा ये फैमिली रूम और ये ढाबा नहीं गिरा दिया तो मेरा भी क्या नाम भूल गया क्या अपना ही? अबे के सिंघानिया, नाम नहीं हो गया इधर? हाँ मालूम है। आइए तोड़नार साहब। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये वो ढाबा? जी हाँ यही है, मखमल में टाट का पैबंद, मेरे फाइव स्टार होटल में ग्रहण। अच्छा, ओए प्याज के छिलके इधर आ, इधर आ। देख 5 मिनट के अंदर ये ढाबा खाली कर, वरना बुलडोजर चला देंगे और नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे साहब ये क्या करने जा रहे हैं, हमारा साहब आएगा तो लफड़ा कर देगा। क्या रे, तेरा साहब कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है कि मिनिस्टर है जो लफड़ा कर देगा? देख एक तो ये ढाबा बनाया, ऊपर से इलीगल माला चढ़ा रहे हो, ये गैर कानूनी है, टूटना चाहिए। hey! इस देश में बहुत कुछ गैर कानूनी है तो सबको का तोड़ते रहोगे? आए ऑर्डर मिलता है ना तो सब कुछ टूटता है। अरे दूसरे की जगह पर तुमने ये ढाबा बनाया, तुम्हारा राज चल रहा है क्या? राज तो सरकार का भी बराबर नहीं चल रहा है, बार बार बदलती रहती है, तो हमारा कैसे चलेगा? लेकिन आज ये सरकारी बुलडोजर चलेगा, मतलब चलेगा। ए, चला रे। hey! एक फोन लगाएगा? फोन? हाँ इसके पास फोन भी है, 3-3 लाइन भी है। हा? इनके ढाबे में जितने रहते हैं ना वो हमारे 5 स्टार से फोन लगाते हैं। अबे तेरी तो अरे छोड़ो इसे, वो गला दबा दिया। हेलो, हम मंत्री कालू प्रसाद बोल रहे हैं। कौन कालू? हाँ मौसा जी, चरणों में प्रणाम स्वीकारी है। अरे प्रणाम रे, कैसा है तू? अरे कहाँ पता, बहुत संकट में है। कहाँ पता है? अरे हमने आपको बताया था ना, वो यहाँ पर मुझे 5 स्टार का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो वो 5 स्टार का मालिक जो है यहाँ पर बुलडोजर लेकर आया है हमारा ढाबा गिराने के लिए। अरे क्या बात करता है रे मुन्ना, अरे कोई तोरा ढाबा गिरा देगा तब हम दिल्ली में सरकार नहीं गिरा दूंगा। बात करता है, अरे कौन अफसर है, फोन दे दे ससुरा के। हम फोन धरा रहे हैं मौसा जी, आप इनसे बात कीजिए। बात कीजिए भाई, आप बात कीजिए। नहीं नहीं हाँ मौसा जी, ये लोग फोन धरने के लिए परेशान हो रहा है, हमने स्पीकर ऑन किया हुआ है, आप इनको बोल दीजिए फोन पे। ए अफसर कान खोल के सुन ले, हम बोल रहा हूँ किंग माकर, अगर हमारा मुन्ना का ढाबा तोड़ दिया ना तो साला याद रख, हम तुम्हारा कुर्सी तोड़ दूंगा रे। नहीं 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 तोड़ेंगे। अरे मान रहा कि नहीं रे वो? अरे माने कैसे नहीं, उसकी खोपड़िया से बहता हुआ पसीना साफ साफ कह रहा है कि ससुरा मान गवा है। अरे वो सेठ का बोलेगा,
उसका तो खुद का फाइसर का ऊपर का दो माला साला गैर कानूनी है, वो तो कोई नहीं तोड़ता। अरे हम तोड़ेंगे रे। ए अफसर, ये जो होटल के नीचे का दो फ्लोर है ना, वो जल्दी गिरा दो। चलो। अरे नीचे का माला गिराएंगे तो ऊपर के सारे माले गिर जाएंगे साहब। हाँ तो ठीक है मौसा जी, ऊपर का ही दो गिरवा दीजिए। हाँ तो ऐसा करो, ऊपर का गिरा दो जल्दी। अच्छा मौसा जी, जा बजरंग बली। ए, तोड़ डालो हाँ, वरना मौसा जी को बोल डालेंगे। नहीं नहीं, वो तुमको फोड़ डालेंगे। नहीं नहीं, कहाँ समझते हो बिहार को। नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ ना। अबे भास्कर, बुलडोजर का मुंह उस तरफ मोड़ दो, ऊपर के दो माले तोड़ने चलो। पहला वाला तोड़ो पहला। क्या सेठ जी, कैसी रही? वो तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसी रही। अब तक तो सिर्फ मजाक हो रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तू है। तुझे मेरे दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी है, मत कर। तू रास्ते से किसी भिखारी को पकड़ ला, मेरे किसी दुश्मन को पकड़ ला, उसके साथ मैं तेरी शादी करा दूंगा, मगर इस मकार के साथ कभी नहीं, नेवर। और अगर आपने फिर भी इनकार कर दिया तो फिर जो तेरी मर्जी में है वो करना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। पतंग लटका दिया है दीदी। शाबाश, ये ले ये रख, जो कुछ समझाया सब याद है। हाँ दीदी। वेरी गुड। मगर राजा तो अभी तक आया नहीं। आता ही होगा। चले छोटो सामान उतार, चल। वो देखा गया, चल जा। लुटा रख ले। राजा भैया, राजा भैया, मेरी पतंग अटक गई, जरा उतार दो ना। अरे अपन भी लटके हुए यार, बहुत दिनों से पेड़ लड़ा रहा है, मगर पता नहीं सामने वाले की गुड्डी कब कटेगी। चल तेरी निकालते निकालते शायद अपनी भी निकल पड़े। तेरी पतंग तो मैं निकाल दूंगा यार, अपनी गोते खारी उसका क्या होगा। तेरे को ढील छोड़ना नहीं आता ना पतंग के अंदर, ढील छोड़ना नहीं आता, ढील छोड़ो साला लाइफ में। तू बन के चिड़िया दुश्मन बेबी, ये बेटा टांग तोड़ा था, इसे बच के रहना बेबी। ए चुप है।